नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रावि सिंह। स्वागत है आपका देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हमारा टॉपिक है औरा, आभा मंडल। ये औरा, ये आभा मंडल क्या है? हालांकि हम सभी में से प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि प्रत्येक पार्टिकल का अपना अपना एक औरिक फील्ड होता है, क्योंकि प्रत्येक पार्टिकल का अपना अपना वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन का जो कि एक दायरा होता है, उस वाइब्रेशन का जो एक सरकमफ्रेंस होता है, वह आभा मंडल है। और प्रत्येक वस्तुओं के जो कि औरिक फील्ड होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, वो करता है हमारा, हम इंसानों के औरा के प्रभाव में। जब कभी भी हम किसी ऐसे औरिक फील्ड में जब जाएंगे जो हमारी एनर्जी से इंटरेक्ट नहीं करेगी, वो ऊर्जा हमें डिस्टर्ब करती है। तो जितने भी प्रकार की हीलिंग मोडालिटी हम लोग सीखते हैं या करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, प्रत्येक हीलिंग मोडालिटी में हम लोग औरा के विषय में जानते हैं। तो औरा वीडियो के सीरीज़ में मैं सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक बताऊँगा अगरबत्ती से औरा क्लीनिंग करने की। औरा क्लीनिंग करने की निम्नलिखित टेक्निक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, चूँकि वीडियो बड़ी हो सकती है, तो फिर हम उसमें सूक्ष्म साधना को भी हम पुट करेंगे। सबसे पहला आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कि एक तकनीक मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा है कि मोर का पंख ले आएं और अपने सर पर से वारते हुए नीचे की ओर ले जाएं, फिर अपने राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड को ऊपर से लेकर के नीचे तक वार दें, तो आपका औरा क्लीनिंग हो जाता है। उसके बाद आप औरा क्लीनिंग के लिए सॉल्ट वाटर से वाइट रुमाल का आप उपयोग कर सकते हैं। एक पात्र में सॉल्ट लें, उसमें वाटर डालें, उसके पश्चात सफ़ेद रुमाल लेकर के, वाइट कलर के रुमाल से हैंड करचीप लें, उसमें डुबोएं और अपने सर के ऊपर से धीरे 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 वारते हुए पूरे शरीर को ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको चले जाना है। फिर से उस रुमाल को किसी साफ पानी में डुबोएंगे, फिर से सॉल्ट वाटर में डुबोएंगे, उसको वहाँ से गाड़ेंगे, फिर से ऊपर से लेकर के करेंगे। ये 7 टाइम्स प्रक्रिया होगी। ये 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सॉल्ट वाटर बाथ भी लेनी है। सबसे अच्छा है कि इस वीडियो में आपको साइड में वो मंत्र मैं लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मंत्र लिख दूंगा। आप लोग प्रत्येक दिन क्या करें, यदि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो अति उत्तम, यदि सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते तो उगते हुए सूर्य का दर्शन मंत्र पढ़ते हुए उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है, कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। एक बार पुनः, कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। दर्शक मित्रों, कनक वर्ण महातेजम तात्पर्य यह है, कनक के समान वर्ण को चमकने वाले महातेज वाले है सूर्य भगवान। रत्नमाला विभूषितम, रत्नों के समान जड़ित आभूषणों की तरह चमकने वाले सूर्यदेव। कनक वर्ण महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम। मैं प्रारंभिक चरण में, प्रथम चरण में उगते हुए सूर्य का मैं दर्शन कर रहा हूँ, अतः आप में हमारी समस्त पापों का नाश करें। तो यह मंत्र का 11 टाइम्स यदि आप उच्चारण करते हैं, उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं, तो आपकी आधा से अधिक औरा क्लीनिंग आपकी उसी समय हो जाती है, उसी समय आप शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 4 अगरबत्ती लेंगे, 4 अगरबत्ती, चारों अगरबत्ती को एक हाथ में लें और अपने माथे में भ्रीकुटी से लगाएंगे और आंख बंद करके सबसे पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। जाने अनजाने में जिसके वजह से हमें तकलीफ हुई है, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। अब तक हमें सब कुछ देने के लिए हे परमात्मा आपका धन्यवाद। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म देकर किस दुनिया में लाया, हमारे माता पिता को धन्यवाद, हमारे पितरों को धन्यवाद, हमारे कुल देवी देवताओं को धन्यवाद, स्थान देवता को धन्यवाद, ग्राम देवता को धन्यवाद। यह करने के बाद
अगरबत्ती को, चारों अगरबत्ती को जलाएंगे। एक अगरबत्ती को आप किसी दैविक स्थान पर, जहाँ पर आपके पूजा का घर है, आप वहाँ पर इसको रख देंगे। उसके बाद इस 3 अगरबत्ती को लेंगे। इस 3 अगरबत्ती को जलाते हुए सबसे पहले आपको अपने सर के ऊपर से उल्टा 7 बार वारनी है। उल्टा 7 बार वारते हुए उसके बाद पूरी तरीके से आपके बॉडी पर स्पाइरल करेंगे। जिस प्रकार से स्पाइरल होगा वो सर से लेकर के आपके पाँव तक होगा। स्पाइरल करते हुए जाएंगे, 7 टाइम्स यह गतिविधि रहेगी। फिर आपका आपके राइट बॉडी पार्ट को, यानी कि आपके सूर्य बॉडी पार्ट को, यानी कि आपके पुरुष तत्व के बॉडी पार्ट को हम यहाँ पर भी स्पाइरल करते हुए एंटी क्लॉकवाइज लाएंगे, सर से लेकर के पाँव तक नीचे छोड़ेंगे। फिर आपका स्त्री पार्ट यानी कि चंद्र सूर्य के भाग की ओर 7 टाइम्स उल्टा वारेंगे और उसके बाद यहाँ से स्पाइरल करते हुए नीचे डाल देंगे। उसके बाद इस अगरबत्ती को कहीं खोस देंगे और फिर उसके बाद हाथ साफ कर लेंगे। यह हुआ मुख्य अगरबत्ती का विधि। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम ऑरा को और विशेष रूप से हम क्लीन कर सकते हैं, उसकी विधि हम अगला स्टेप में जानते हैं। धन्यवाद।